NCERT solution for class 4 EVS chapter 6. Why was it so crowded at the door of the coach? Answer: people don't have patience to wait. Few of them were in a hurry to board, and others were getting down the train all at once. Why was it so crowded at the door of the coach? डिब्बे के बाहर, कोच के बाहर दरवाजे पर बहुत ज़्यादा भीड़ क्यों थी? Answer: people don't have patience to wait. लोगों के अंदर इंतज़ार करने का सब्र, पेशेंस नहीं है. Few of them were in a hurry to board and other were getting down the train all at once. कुछ लोगों को बोर्ड में चढ़ने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो कुछ लोग एकदम से ट्रेन से उतर जाना चाहते हैं. Second, have you ever traveled in a train? When? क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है? कब? Yes. Answer is yes. हाँ, I have traveled in a train many times. मैंने ट्रेन में कई बार ट्रैवल किया है. ट्रैवल मीन्स यात्रा. My grandmother lives in Chennai. मेरी दादी जी चेन्नई में रहती है. And we usually go to visit her. और हम बहुत बार, usually, अक्सर उनके पास जाते हैं. What food would you like to take with you when you travel? Why? जब आप ट्रैवल करते हैं तो अपने साथ कौन सा, किस प्रकार का फूड ले जाना पसंद करते हैं और क्यों? Answer: I would like to take fruits, vegetables, chocolates and biscuits. मैं यात्रा के दौरान बिस्किट्स, फल, वेजिटेबल्स, सब्जी, चॉकलेट्स ले जाना पसंद करता हूँ. When I travel, जब मैं यात्रा करता हूँ. Heavy and oily foods may be difficult to digest while traveling. यात्रा के दौरान हैवी फूड्स, ऑयली फूड्स, इसे डाइजेस्ट करना बहुत कठिन होता है. नेक्स्ट, व्हाट डज द टिकट चेकर डू? टिकट चेकर क्या काम करता है? आंसर: द टिकट चेकर चेक्स द टिकट्स. टिकट चेकर टिकटें चेक करता है. टू सी, उन्हें देखता है, दैट कि ऑल पैसेंजर्स हैव देयर टिकट्स, सभी पैसेंजर्स की, सभी यात्रियों के पास अपनी टिकट्स है. एंड आर सीटिंग इन द करेक्ट सीट्स, और वे अपनी सीट पर, सही सीट पर बैठे हैं. नेक्स्ट, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर? आप टिकट चेकर को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे? रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना. आंसर: टिकट चेकर वियर्स अ ब्लैक कोट विद अ नेम टैग इन हिज चेस्ट. टिकट चेकर एक काला कोट पहने होता है और उसके कोट पर, चेस्ट पर एक नेम टैग लगा होता है. अ बैच विल बी प्रेजेंट ऑन बोथ ऑफ हिज सोल्जर्स शोविंग TTE, और उसके दोनों सोल्जर्स पर एक बैच लगा होता है, एक एक, जिस पर लिखा होता है TTE, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर. आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी है, TTE, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर. नेक्स्ट, व्हाट डिड ओमाना सी फ्रॉम द विंडो? व्हाट डिड ओमाना सी फ्रॉम द विंडो? ओमाना ने विंडो में से, खिड़की से क्या देखा? आंसर: ओमाना सा स्मॉल विलेजेस, फील्ड्स एक्सेट्रा. ओमाना ने छोटे गांव, खेत देखे, विच वर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन,
जो विपरीत दिशा में मूव कर रहे थे, जा रहे थे। सी आल्सो नोटिस्ड डैट, उसने ये भी नोटिस किया कि द ब्यूटिफुल ऑरेंज स्काई ड्यूरिंग सनसेट, कि बहुत सुंदर ऑरेंज सतरंगी आसमान ड्यूरिंग सनसेट, सनसेट के दौरान था, जब सूर्यास्त हो रहा था तब आसमान का रंग ऑरेंज कलर का था, सतरंगी कलर का था। What are some of the things that are sold at railway stations? What are some of the things? ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं that are sold at railway stations, जो कि रेलवे स्टेशंस पर बिकती है, खरीदी जाती है? Answer: books, fast foods, toys, cold drink, etc. are some of the things sold at the railway station. रेलवे स्टेशन पर किताबें बेची जाती है, फास्ट फूड बेचा जाता है, टॉयज खिलौने बेचे जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बेची जाती हैं। ओमाना सा हक्कर सेलिंग वटाडा वाडा। ओमाना ने देखा कि एक आदमी वटाडा वाडा स्नैक्स बेच रहा है, पूरी साग बेच रहा है, पूरी एंड वेजिटेबल्स बेच रहा है, गरम चाय, हॉट टी, ठंडा दूध, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें बेच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक देयर वाज नो वाटर इन द बाथरूम ऑफ द ट्रेन, डिस्कस। व्हाई डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, देयर वाज नो वाटर इन द बाथरूम, की बाथरूम में पानी नहीं था, ट्रेन के बाथरूम में पानी नहीं था, इस बारे में डिस्कस कीजिए। आंसर, द पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन द ट्रेन यूजुअली वेस्ट द वाटर फील्ड और समटाइम्स इट इज नॉट प्रॉपरली फील्ड। कई बार पैसेंजर्स ट्रेन के अंदर पानी को वेस्ट कर देते हैं, बिना वजह, बिना किसी काम के वो पानी को बर्बाद कर देते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है जब पानी प्रॉपर रूप में नहीं फिल किया होता। नेक्स्ट, इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी। कल्पना कीजिए कि आप ट्रेन में एक लंबी यात्रा पर गए हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल टेक विद यू टू हेल्प पास द टाइम। तो आप अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें ले जाना पसंद करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें ले जाएंगे जिनसे आपका टाइम पास हो सके। आंसर, हैंडी गेम्स, हैंडी गेम्स एंड स्टोरी बुक्स आर सम ऑफ द थिंग्स दैट शुड बी कैरीड टू पास द टाइम ऑन अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग ट्रेन जर्नी। एक लंबी यात्रा के दौरान हम हैंडी गेम्स और स्टोरी बुक्स ले जाना पसंद करेंगे जिनसे हमारा टाइम आसानी से पास हो सकता है। कैन यू रिकॉग्नाइज हु आर दीज पीपल शोन इन द पिक्चर। क्या आप पिक्चर में दिखाए गए लोगों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं? व्हाट वर्क डू दे डू, ये क्या काम करते हैं, डिस्कस कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है, और ध्यान से देखने के बाद यहाँ पर इसके आंसर लिखे हैं। आंसर, फर्स्ट, कुली, एक रेड कलर में, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसे कुली कहा जाता है। अ कुली हेल्प्स पैसेंजर्स टू कैरी देयर लगेज। कुली लोगों की सहायता करता है उनका सामान लाने ले जाने में। गार्ड, अ गार्ड इज इन द चार्ज ऑफ ट्रेन। एक गार्ड एक ट्रेन का इंचार्ज होता है। गार्ड सिग्नल्स द ट्रेन टू स्टार्ट एंड वॉचेज इट। वह क्या करता है, सिग्नल्स देता है ताकि ट्रेन स्टार्ट हो सके, और उसे देखता है। ड्राइवर, ही कंट्रोल्स एंड रन्स द ट्रेन ऑन टाइम। वह समय समय पर उसे चलाने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। टिकट चेकर, ही चेक्स द टिकट्स ऑफ द पैसेंजर्स एंड मैचेस देम विद द सीट्स। टिकट चेक करता है और उनकी सीट मैच करता है कि क्या वे सही सीट पर बैठे हैं या नहीं। नेक्स्ट, रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द रेलवे स्टेशंस, ट्रेन एंड द पैसेंजर्स ट्रेवलिंग बाय देम। रेलवे पुलिस क्या करती है, सिक्योरिटी
का काम करती है, रेलवे स्टेशंस को देखने का काम करती है, ट्रेन्स को, पैसेंजर्स को, इन सब की सिक्योरिटी रेलवे पुलिस करती है। सफाई कर्मचारी, ही क्लीन्स द प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन। सफाई कर्मचारी प्लेटफॉर्म को साफ करता है और ट्रेन को साफ करता है। टिकट सेलर, ही सेल्स टिकट्स टू द पैसेंजर्स, वह यात्रियों को टिकट सेल करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।